हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं आज आपका अपने मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत करती हूँ। सकारात्मक रूप से आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, अति सुखी रहें और अपने आप को स्वस्थ व्यस्त मस्त रखते हुए हर कार्य को करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या आते हैं कार्ड्स। पहले हम कार्ड ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग लेते हो कई कार्ड। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है 10 of Cups का, जो बता रहा है आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस प्लस सबसे बढ़िया डिवाइन लव। सांसारिक प्यार तो हम मतलब वाला सबसे करते हैं, उससे ये फायदा हो तो उसके साथ दोस्ती कर लो और जब मतलब निकल जाए तो पहचानो मत, वो वाला नहीं। डिवाइन लव जो हमारे पूर्व जन्मों से हमारे साथ है, हमारे प्रारब्ध में ही उस व्यक्ति के साथ रिश्ता जुड़ना पूर्व नियोजित है, सुनिश्चित है, उसको डिवाइन लव कहते हैं। वो डिवाइन लव बड़ा रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि मैंने उस डिवाइन लव को जिया है इसलिए मैं कह सकती हूँ। ब्लिसफुल रिलेशनशिप, क्या बात है, हार्मनी, अलाइनमेंट, क्या बात है। मैं यहाँ पर अपनी एक छोटी सी एक पर्सनल बात करना चाह रही हूँ कि डिवाइन लव क्या होता है और डिवाइन लव कैसे हम लोगों को एक नया जीवन देता है। मैं और मेरी गुरु माँ, गुरु माँ की फ़ोटो ये जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे ऊपर ही है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं और मेरी गुरु माँ जो है ना, हम दोनों 30 साल इकट्ठे रहे हैं और डिवाइन लव क्या होता है मैंने उनके साथ रहते हुए अनुभव किया। हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, मैं कहाँ थी, वो कहाँ की थी, वो ढाका की थी, जिस समय इंडिया ही था सारा, तब भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बने थे, उनका जन्म भारत के आज़ादी से आसपास का ही था, तो वो उस समय के उस बांग्लादेश की थी, ढाका की थी, और मैं इधर नॉर्थ इंडिया की थी, मेरा जन्म, मेरा शरीर पंजाब का है। तो हम लोगों का कोई एज ग्रुप में भी बहुत फ़र्क था, वो मेरे से 18 साल बड़ी थी और मैं उनसे 18 साल छोटी थी। एज ग्रुप भी एक नहीं, खान पान एक नहीं, भाषा एक नहीं, पहनावा एक नहीं, और हम लोग 30 साल इकट्ठे रहे हैं, इसको कहते हैं डिवाइन लव। वो मेरी गुरु बहन थी, मेरी गुरु भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी लाइफ पार्टनर भी थी, वो सब कुछ थी मेरे लिए। मेरी दुनिया उन्हीं से शुरू होती थी और उन्हीं पे आकर के समाप्त होती थी, और वो मुझे अपनी मानस कन्या कहती थी कि तुम हमारी मानस कन्या। तो ये रिश्ता हमारा बहुत लंबा चला। तो डिवाइन लव का कार्ड आया तो मुझे ये बताना पड़ा कि मैंने वो डिवाइन लव जिया है और वो कैसा होता है वो मुझे मालूम है। तो जो भी जिसके साथ भी आज डिवाइन लव वाली ये रीडिंग रेजोनेट करे वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझे। दुनिया का कुछ नहीं चाहिए अगर आपके पास डिवाइन लव है तो, सब चीज़ स्वतः प्राप्त होती रहती है और आप बहुत ब्लिसफुल और बड़े एक स्मूथ अलाइनमेंट में आपका रिलेशन है, बहुत अच्छे से है। दूसरा कार्ड जो है वो द वर्ल्ड है, मीन्स फैमिली लाइफ तो आपकी है ही अच्छी, डिवाइन लव में है वो तो आपकी है ही बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर।
अब बात आपके प्रोफेशन की आई, प्रोफेशनल लाइफ की आई, तो प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी है वो बड़ी परफेक्शन वाली है। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्शन वाली है। और मालूम है परफेक्शन किसे कहते हैं? हम अपनी योग की भाषा में परफेक्शन सिद्धि को कहते हैं। जब किसी चीज की हमको सिद्धि हो जाती है, हम सिद्ध हस्त हो जाते हैं जिस काम में, उसको हम परफेक्शन बोलते हैं ना, परफेक्ट बोलते हैं ना। तो आपको अपने काम में आप सिद्ध हस्त हैं, आपको आपके प्रोफेशन में कोई मात नहीं दे सकता, आप उसके सारे टिप और टैक्ट्स सब जानते हैं, टिप्स एंड टैक्ट्स सब जानते हैं और बखूबी उनका प्रयोग भी करते हैं टाइम टू टाइम। इन सबका आप इस्तेमाल भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, जिससे आप हमेशा विनर रहते हैं, विनर रहते हैं। और आपने कई अवार्ड्स भी विन किए हैं इसी उसमें, रिकॉग्निशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट और इंटरनल लाइफ का कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसके साथ भी आज की रीडिंग रेजोनेट करे वो परमात्मा को धन्यवाद जरूर करें, जरूर करें धन्यवाद कि इतनी सुंदर आपको जीवन दिया है, इतनी सुंदर जीवन की परिस्थितियां दी हैं, लाइफ में आपको आगे बढ़ने का इतना सुनहरा मौका दिया है, और ये सब आपके पूर्व जन्म के किए कर्मों का ही फल है, रिजल्ट है। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको कुछ जर्नी करनी पड़ सकती है जिसमें आपको अति सावधान रहना होगा, अत्यधिक सावधान रहना होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान सीढ़ी चढ़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो कुछ दुश्मन भी तो पैदा हो जाते हैं जो जेलसी फील करते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता आपका प्रोग्रेस, जिन्हें अच्छा नहीं लगता आपका आगे बढ़ना, जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ बढ़िया करें ज़िंदगी में। तो इसलिए लेग पुलिंग भी होती है ना, टांग भी लोग खींचते हैं ना। तो यात्रा में आप सावधान रहें, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है, वो अपना प्रयास करेंगे जो आपको अपना कंपटीटर मानते हैं। ये प्रोफेशन की बात है, फैमिली लाइफ में कोई ऐसा नहीं करेगा, प्रोफेशनल बात है। संभल के रहिएगा, अपने आप को संभाल के चलिएगा ताकि किसी अनटुवर्ड परिस्थिति में, अनटुवर्ड सर्कमस्टांसिस से आपको गुजरना ना पड़े। अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा नहीं किसी को, मौन होके करिएगा, सीक्रेटली करिएगा। अगला कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा पैशनेट होना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा, क्योंकि जहां आप जल्दबाजी दिखाएंगे वहीं आपको लॉस हो सकता है। जहां आप जल्दबाजी दिखाएंगे वहीं आप अपने दुश्मन को मौका दे देंगे आपके ऊपर प्रहार करने का। बी अवेयर, धीरे से काम करिए, इतना धीरे से करिए कि साथ बैठे व्यक्ति को भी पता ना चले। वो कहते हैं ना, दान ऐसा करो एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो, उसी तरह आप काम ऐसे करें कि किसी को खबर ना हो। और यही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो आप बड़े संभल के अपने कार्य को करते हैं। आप नेचुरली जो बॉर्न है वो नोबल नेचुरल बॉर्न है, आप बाय बर्थ ही क्या है, नोबल है, एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं, आप श्री लेकर के पैदा हुए हैं। अब जो लोग अध्यात्मी में, वो मेरी भाषा को समझेंगे श्री का मतलब क्या है मेरा कहने का। और आपका विजन क्लियर है लाइफ को लेकर के, और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बड़ा ऑनर मिलता है, बड़ा आपको एप्रिसिएशंस मिलती हैं लोगों की। यही कुछ लोगों को खटकती भी हैं जो आपके रास्ते में फिर रोड़े अटकाते फिरते हैं कि किसी भी तरीके आपको कहीं पर भी दबाया जा सके।
आप की इमेजिनेशंस बहुत सुंदर हैं, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग है और क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत सुंदर है। आप मतलब जो है ऑलराउंडर। कार्ड जो मुझे बता रहे हैं ये यही बता रहे हैं कि यू आर ऑलराउंडर, आप में कमियां कम गुण ज्यादा, आपकी वीकनेसेस कम है गुण ज्यादा हैं। यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, आप बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व आपका बैलेंस्ड है। और क्यों है उसके पीछे कारण है, यू आर नेचर लविंग, आप नेचर के साथ रहते हैं और आप जानते हैं नेचर बैलेंस्ड रहती है, नेचर में हमेशा बैलेंस बना रहता है। और जब मनुष्य नेचर को छेड़ता है ना तो तभी नेचर अपना क्रूर रूप दिखाती है, दिखाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाती है, दिखाती है। अदरवाइज नेचर एकदम बैलेंस्ड ही रहती है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है। छेड़खानी करोगे तो फिर वो छोड़ेगी नहीं। आजकल बहुत चल रहा है ये वाला मुहावरा को, वाक्य को, कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नेचर का भी वही है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आप अपने जो अर्न करेंगे वो अपने दम पर अपना वेल्थ इकट्ठी करेंगे, आपको अपने पेरेंट्स से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बुद्धि बल से, अपनी एबिलिटी से और अपने टीम वर्क से, इतने अपनी एफर्ट्स से कमा लेंगे कि आपकी कई पीढ़ियों के लिए बहुत है। लेकिन कमाना तो सभी को पड़ता है ना, शिक्षा तो आपको उसी तरह आगे देनी पड़ेगी जैसे आप स्वयं हैं। हाँ, एक व्यक्ति का कार्बन कॉपी तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है, ज़्यादा कम जरूर होता है। तो आप बहुत ही एक बढ़िया उससे लाइफ लीड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर एक अनुरोध है, निवेदन है कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा। और मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक जा सके। मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, वही मेरे हाथ में है। बाकी मेरी वाणी को दूर दूर तक पहुँचाना और उसको जन जन तक पहुँचाना वो आपके सहयोग से होगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए जैसे इस चैनल को दे रहे हैं, ताकि मेरी वाणी किसी को राह मिले उससे, किसी का मन को शांति मिले, किसी को एक भटके हुए जीव को अध्यात्म का रास्ता मिल सकता है। तो मालूम नहीं किसका क्या भला हो जाए, तो आप मेरा सहयोग करें, प्लीज़ आप सहयोग करें, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे का जो बात है वो ये है कि जैसे आप अपने प्रोफेशन में परफेक्शन के साथ काम करते हैं, वैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं, अपने दोस्तों के साथ भी हैं, अपने सोशल वर्क में भी आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपसे अनसेटिस्फाइड नहीं है, सब लोग आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, सभी के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर वो बीमार है तो उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। आप बड़ा मिन्यूटली हर फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, जिससे सब लोग आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। इसके अलावा आपका अपनी वाइफ के साथ विशेष तौर से बहुत बैलेंस्ड रिलेशन है, बड़ा हार्मोनियल है, आप दोनों में बहुत अच्छी एक आपसी मेंटल लेवल की एक समझ है जो अधिकतर नहीं होती है। आपका और आपकी वाइफ का या आपका और आपके हस्बैंड का आपस में बहुत अच्छा एक मेंटल क्या कहते हैं रैपो है, बहुत अच्छा आपका आपस में बनती है। आप एक दूसरे की बात को बिना कहे ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं। तो आज की रीडिंग
बहुत अच्छी आई, ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है, सारे कार्ड पॉजिटिव, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जिस जिसको भी ये रीडिंग जब भी मिले तभी उसके ऊपर काम करेगी, ये रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपको मेरा ये वीडियो मिले तभी काम करेगा, उसी समय आपके साथ ये रेजोनेट होगा। तो जितनी रीडिंग आज आपकी आपके साथ रेजोनेट हो आज का भी इसको उतना लीजिएगा, बाकी जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे मैत्री टैरो रीडिंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम, नारायण हरी।